कई वर्षों से एक प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है या 33 करोड़ देवी देवता है। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी गहन शोध चल रहा है, साथ ही कई अनसुलझे विषयों में एक ऐसा विषय भी उपस्थित है जिस पर आज भी दो मत बंटे हुए हैं। वह विषय है कि क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है या 33 कोटि देवता। कई धर्माचार्य और धार्मिक विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये केवल एक प्रश्न ही है। कोटि शब्द को ही दो तरह से बताते हैं, एक प्रकार और दूसरा करोड़। कई लोग यह भी मानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कोटि को ही करोड़ बोला जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आज भी इस विषय पर उलझन बनी हुई है। यदि हम 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं तो इसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। कई जगहों पर इंद्र व प्रजापति के स्थान पर दो अश्विनी कुमारों को 33 कोटि में शामिल किया गया है। वह 33 कोटि इस प्रकार है। अष्ट वसुओं के नाम है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। 11 रुद्रों के नाम है मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और द्विध्वज। 12 आदित्य के नाम है अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु। इन सभी देवताओं से 33 कोटि देवताओं की संख्या पूर्ण होती है और इन्हीं के अन्य नाम भी अलग अलग प्राचीन धर्माचार्यों के मत हेतु जुड़ जाते हैं। कुछ धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग कोटि को ही करोड़ कहते हैं, किंतु एक मत यह भी है कि 33 करोड़ देवी देवता भी हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के एक चौपाई में लिखा है कि सियाराम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जिसका अर्थ है कि पूरे संसार में श्री राम निवास करते हैं, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। इस बात का प्रमाण ये है कि हिंदू धर्म में भगवान श्री राम सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उन्हें देवता रूप में आज पूजा जाता है। वहीं सनातन परंपरा में अग्नि, वृक्ष, भूमि, जल और वायु, इन सभी की पूजा का विधान है। यहाँ तक कि श्राद्ध पक्ष में कौवे की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नदान दिया जाता है। एकादशी तिथि के दिन चींटियों की भी पूजा की जाती है। वहीं माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू की पूजा का भी विधान है। भगवान गणेश के रूप में हाथी की पूजा की जाती है और वराह रूप में एक शुक की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है या 33 करोड़ देवी देवता है, इस प्रश्न के जवाब में अंततः यही निकल कर आता है कि 33 कोटि देवता का वर्णन भी सही है और वही 33 करोड़ देवी देवता है। ये बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई से इस बात से सिद्ध हो सकती है। आप यदि इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।